जरा मंच के बीच में लगी इस शानदार कुर्सी पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को हंसते मुस्कुराते देखिए। नीतीश बड़े आराम से मंच में सबसे वीआईपी व्यक्ति के लिए लगी कुर्सी पर कितने आराम से बैठे हैं, और नीतीश के बगल में बैठे सम्राट चौधरी को देखिए कैसे विजय चौधरी और विजय सिन्हा के साथ बड़ी मुश्किल से दिक्कत में बैठे हैं, बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन ये क्या, अब नीतीश की उसी वीआईपी कुर्सी को सम्राट चौधरी ने लपक लिया और बड़े आराम से फैलकर बैठ भी गए। जरा अब दो तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे कुर्सी न छोड़ने के लिए मशहूर नीतीश के जाते ही सम्राट चौधरी ने उनकी कुर्सी को झट से लपक लिया। तस्वीर देखने के बाद नीतीश कुमार को भी डर सता रहा होगा कि कहीं इसी तेजी से सम्राट उनकी सीएम वाली कुर्सी न लपक ले। वीआईपी कुर्सी का अपना ही मजा है, जो मजा वीआईपी कुर्सी में आता है वो मजा आम कुर्सी में कहाँ। और आम कुर्सी पर बैठे सम्राट चौधरी को जैसे ही सीएम नीतीश वाली वीआईपी कुर्सी मिली तो मंच से झांकी देखने में अलग ही मजा आने लगा। चलिए अब पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल मौका था रामनवमी का और डाकमंगला चौराहे पर आलिशान मंच बना था ताकि माननीय मंच पर आराम से बैठकर झांकी का मजा ले सके। और इन सब के बीच बिहार के मुखिया नीतीश कुमार मंच पर करीब 40 मिनट गुजारने के बाद चल दिए। वहीं इस दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। जब नीतीश कुमार मंच से वापस जा रहे थे तो सम्राट चौधरी ने उन्हें थोड़ा झुककर नमस्कार किया, फिर सीएम के जाते ही उस कुर्सी पर बैठ गए जिस कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे थे। उस नजारे को देखने के बाद कई तरह के कयास लगने लगे हैं कि क्या जैसे सम्राट चौधरी ने नीतीश की ये मंच वाली कुर्सी लपक ली, कहीं उसी तेजी से सम्राट चौधरी नीतीश की सीएम वाली कुर्सी न लपक ले। बीते दिन ही राजधानी में एक पोस्टर भी लगा था जिसमें लिखा था, बिहार के योगी सम्राट भैया आ गए हैं, एक अणे मार्ग खाली करो। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सम्राट चौधरी आक्रामक मूड में भी दिखाई दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव में 40 सीट जीतने का दावा भी कर रहे हैं। नीतीश की कुर्सी लपकने के बाद कंफर्टेबल भी लग रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सम्राट को बीजेपी अपना सीएम फेस घोषित करेगी या नहीं। पटना से अनिकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।